आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की महिलाओं को हर माह 1100 रुपए देने का वादा किया है। अब ये वादा सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही प्रदेश की महिलाओं के खाते में राशि आएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को चब्बेवाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर मेहटियाना में पहुंचे थे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। चब्बेवाल सीट से आप प्रत्याशी डॉक्टर ईशांक के हक में प्रचार के लिए सीएम मान यहां आए थे। मान ने कहा कि हमारे प्रत्याशी डॉक्टर ईशांक युवा हैं, निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं और उन्हें हल करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। चब्बेवाल हलके द्वारा जो भी कार्य लाए जाएंगे वो बिना किसी रुकावट के स्वीकृत किए जाएंगे। इस दौरान सीएम ने महिलाओं को 1100 रुपए दिए जाने की योजना लागू किए जाने का संकेत भी दिया। हुआ कुछ यूं कि जब सीएम वॉलंटियरों को संबोधित कर रहे थे तो उनके पंडाल में कुछ महिलाएं खड़ी दिखीं, जबकि बड़ी संख्या में युवा कुर्सियों पर बैठे थे। इस पर सीएम ने उन्हें कुर्सियां छोड़कर महिलाओं को जगह देने के लिए कहा। मान ने कहा कि बड़ी संख्या में माताएं बहनें खड़ी हैं, जबकि युवा कुर्सियों पर बैठे हैं। महिलाओं के लिए कुर्सी छोड़ दें क्योंकि इन्हें 1100 रुपए मिलने लग जाएंगे और फिर बाद में इनसे ही लेने पड़ेंगे। मान ने कहा कि मेरा अगला मिशन यही है, जैसे जीरो बिल स्कीम चली है उसी तरह महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे। इसके लिए वो तैयारी में लगे हैं, बजट का इंतजाम करके इस संबंध में ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं चाहते कि पहले योजना शुरू कर दे और फिर बाद में इसे बंद करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए हैं और बिजली बिल माफ कर पंजाब के लोगों को राहत दी गई है। इसके अलावा आम आदमी क्लिनिक के माध्यम से लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। पंजाब सरकार ने राज्यवासियों को दिवाली का तोहफा देते हुए प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त खत्म कर दी है। चब्बेवाल से आप प्रत्याशी डॉक्टर ईशान कुमार ने कहा कि चब्बेवाल की जनता के आशीर्वाद से क्षेत्र में नया इतिहास रचने का समय आ गया है। हलके का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना होगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे में सुधार प्रमुख होगा। सांसद डॉक्टर राजकुमार ने विश्वास जताया कि प्रदेश में होने वाले 4 उपचुनावों में चब्बेवाल सीट सबसे बड़े अंतर से जीतकर आम आदमी पार्टी को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जीत न केवल पार्टी की नीतियों के प्रति लोगों के विश्वास को दिखाएगी, बल्कि निर्वाचन क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के प्रति आम जनता की स्वीकृति भी दिखाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों पर तीखा हमला भी बोला। कांग्रेस पर हमला करते हुए मान ने कहा कि वो सत्ता के लिए लड़ते हैं, जबकि हम आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया करवाई है और अच्छे स्कूल और अस्पताल बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा सड़कों पर होने वाली मौतों को कम करने के लिए हमने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया और उन्हें आधुनिक वाहन उपलब्ध कराए। परिणाम स्वरूप पिछले 6 महीनों में मौतों में 45% की कमी आई है। इसके अतिरिक्त हमने पिछले 2.5 वर्षों में युवाओं को 45,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।